मैं हूं अभिषेक बारेट और ये एक सियासी किस्सा है। बात 2008 की है। ठुड्डी पर गुदी कई बिंदियां, जो राजस्थान में परंपरागत श्रृंगार में से ही एक मानी जाती रही हैं। इनकी छाप और आगे के दो दांतों में हल्की सी दूरी लिए देहात की पीली ओढ़नी से ढकी एक महिला राजस्थान की त्रिशंकु अशोक गहलोत सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के पोडियम की तरफ बढ़ती हैं। माइक पर शपथ पढ़ने की बारी आज उसी की थी। वो मिनिस्टर बनने वाली थी, पर शपथ लेते वक्त वो शपथ के लंबे चौड़े पढ़े लिखे लोगों वाला लहजा बरकरार नहीं रख पाई। वो शपथ ना बोलकर सिर्फ ये बोली कि मैं गोलमा देवी बोल रही हूँ। वो एक निरक्षर महिला है। वहाँ मौजूद लोगों में से एक डॉक्टर गोलमा देवी के नर्वस होने के बावजूद भी बेहद खुश था, क्योंकि असली मिनिस्टर वो ही बना था। MBBS और आला दर्जे का तेज तर्रार ये शख्स और कोई नहीं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा थे। गोलमा देवी उनकी पत्नी है, जिन्हें दिल महसूस कर अशोक गहलोत को खादी मंत्री बनाना पड़ा था, क्योंकि सरकार त्रिशंकु थी और गोलमा इस सरकार की ज़रूरत थी। शपथ के बाद संवाददाताओं की कशमकश बढ़ गई। हर कोई गोलमा देवी से सवाल करना चाहता था। एक सवाल किया गया, आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, मंत्रालय कैसे संभालेंगी? गोलमा देवी ने इस सवाल का उत्तर देते हुए कहा था, मैं ऑर्डर दूंगी और मेरे PA काम करवाएंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और गोलमा देवी को उस दिन राजस्थान के लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जोड़ी कहकर पुकारा गया। इस बेहद सदे हुए राजनेता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उससे पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे, तो जवाब देते हुए किरोड़ी लाल बोले, वही जो अब तक गोलमा देवी करती आई हैं, कपड़े धोना, लोगों को संभालना और खाना बनाना। वो अपने चिरपरिचित शरारती अंदाज में कहकर निकल गए, जो ठीक इसके विपरीत था। सच ये था कि वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे किरोड़ी मीणा कांग्रेस में मंत्री बने थे, बस ये छलावा था कि वो पार्श्व में खड़े थे और गोलमा देवी कांग्रेस के मंच पर। किरोड़ी लाल मीणा का जन्म दौसा के महवा तहसील खोरमुल्ला में 1951 में हुआ था। वे डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद राजनीति में शामिल हो गए। इनकी पत्नी गोलमा देवी एक घरेलू महिला रहीं, पर बाद में वो राजनीति में आई और पहली बार विधायक बनकर अशोक गहलोत सरकार में मंत्री बनी। राजस्थान के बीकानेर मेडिकल कॉलेज से MBBS करके निकले RSS की विचारधारा वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा छात्र राजनीति की देन है। बचपन में किए गए तीव्र संघर्ष और अभाव ने किरोड़ी लाल मीणा को हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ आदमी बनाए रखने में कामयाब रखा, और इसकी बदौलत डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक युवा आवाज बने। दरअसल मीणा की राजस्थान में असली राजनीतिक दखल की शुरुआत 12 दिसंबर 1988 को राजस्थान के सवाई माधोपुर के एक आंदोलन से हुई थी। 1985 तक डॉक्टरी छोड़कर मेवा विधानसभा सीट से ये विधानसभा पहुंचे थे। सवाई माधोपुर में हजारों मजदूर सीमेंट फैक्ट्री बंद हो जाने से उस वक्त सड़क पर आ गए थे। आंदोलन चल रहा था, पर उन्हें एक बेबाक आवाज़ चाहिए थी जो उनका नेतृत्व कर सके। किरोड़ी खुद को रोक नहीं पाए और इस आंदोलन में अगवा बनकर कूद पड़े। पुलिस की लाठियां किरोड़ी लाल पर और मजदूरों पर बरसी, और यहीं से उदय हुआ बेबाक निर्भीक और एक तेज तर्रार नेता का, जिसके गुरिल्ला पंच को पूरा राजस्थान जानता है। लेकिन ये यात्रा की शुरुआत है। सियासत का वक्त बीतता रहा। किरोड़ी अभी अपनी असली पहचान से फिर भी बरसों दूर थे। सालों के लंबे संघर्ष के बावजूद वो एक नेता थे। हर इंतजार को खत्म होना ही होता है। 2006 में गुज्जर समाज अपने एक आंदोलन को लेकर सड़क पर उतर आया। यह आंदोलन जिसमें करौली जिले के हिंडौन में गुज्जरों ने सड़क कब्जा ली। गुज्जरों ने सरकार को धमकाया और कहा कि उन्हें ST यानी अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लाभ दिया जाए। ये मामला सुलग ही रहा था कि राजस्थान के मीणा समाज ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में गुर्जर आंदोलन के खिलाफ सड़कों पर उतरना मुनासिब समझा। मीणा समाज का नेतृत्व कर रहे किरोड़ी लाल उस वक्त राजस्थान की वसुंधरा राज्य सरकार में खाद्य मंत्री थे। खाद्य मंत्री रहते हुए और गुज्जर आंदोलन के विरोध में उतरे CM वसुंधरा राजे को गरियाते हुए उन्होंने कहा कि वो जनजातीय आरक्षण का सम्मान करें और ट्राइबल रिजर्वेशन के साथ
कोई छेड़छाड़ ना करें। वसुंधरा राजे ने सोचा कि किरोड़ीलाल मंत्री हैं और ये एक राजनीतिक दिखावा है मीणा समाज को साधने के लिए। उधर 2007 में गुर्जर आंदोलन में हिंसा हुई और पूरा राजस्थान जल उठा। लालसोट में गुर्जर मीणा टकराए और 4 लोगों की मौत हुई। सरकार गुर्जरों की तरफ झुकती हुई नजर आई। सरकार के गुर्जरों की मान मनोबल में उलझी वसुंधरा राजे को जैसे ही मंत्री किरोड़ीलाल का इस्तीफा मिला, वो एकाएक मीणा समाज के सबसे प्रतिष्ठित आदमी जिसे बाबा कहा जाता है बन गए। वसुंधरा राजे और मीणा आमने सामने थे, पर वसुंधरा ने अपने सियासी रसूख से 2008 में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भाजपा से बाहर करवा दिया। यहाँ पर किरोड़ी का अपमान तो हुआ, पर उनको फायदा हुआ कि मीणा समाज के जबरदस्त समर्थन से न सिर्फ वो विधानसभा चुनाव में करौली जिले की टोडा भीम सीट से निर्दलीय चुनाव जीते, बल्कि अपनी पत्नी गोलमा देवी को भी दौसा जिले की महुआ सीट से चुनाव लड़वाया और जितवाया और त्रिशंकु कांग्रेस सरकार में खादी मंत्री बनवा दिया। आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले किरोड़ी को कांग्रेस कम रास आई तो मंत्री पत्नी गोलमा का इस्तीफा करवाया। एक तरह से बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम था, पर वो जोखिम लेते रहे हैं। 2009 के आम चुनाव में वो निर्दलीय रहे और जीते। ना वो कांग्रेस के थे ना वो बीजेपी के, ऐसे में उन्होंने 2013 में पीए संगमा की पीपुल्स पार्टी का दामन थाम लिया, पर उनकी प्रबल हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा उस वक्त गच्चा खा गई जब उन्होंने पार्टी के झंडे के नीचे 200 विधानसभा सीटों में से 150 उम्मीदवार उतार दिए। राजस्थान में तीसरे मोर्चे के कई प्रयास हुए हैं, लेकिन राजस्थान को सिर्फ 2 ही पार्टियाँ समझ आती हैं और वो हैं बीजेपी और कांग्रेस। 150 उम्मीदवारों में से सिर्फ 4 चुनाव जीते। 2013 में तो हालात और बदतर हुए कि गोलमा देवी और खुद डॉक्टर किरोड़ी मीणा के अलावा कोई और मीणा नेता चुनाव नहीं जीता। 2018 में 10 साल बाद किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी में वापस आए और केंद्र ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। असल कहानी भी यहीं से है। दरअसल बीजेपी में उनके आने का रास्ता पहले भी था, पर किरोड़ीलाल मीणा सर्व समाज के लिए खड़े हो जाने वाले बागी नेता की छवि रखते हैं। उनका गुरिल्ला पंच ऐसा है कि वो खुफिया एजेंसियों के इनपुट को गच्चा देकर कहीं भी पहुंच जाते हैं, पुलिस को चकमा दे देते हैं और साहसी भी हैं। लोगों के लिए लड़ाई लड़ने वाले बाबा कहीं भी बनियान पहने किसी खाट पर जमीन पर सोए हुए अक्सर तस्वीरों में कैद कर लिए जाते हैं। रमेश मीणा जैसे नेताओं की स्वीकार्यता अभी भी मीणा समाज में किरोड़ी जैसी नहीं है। वो सर्वमान्य नेता हैं। अपने लगभग 600 आंदोलनों में से 70% आंदोलन किरोड़ी ने बाकी जातियों और समुदायों के लिए लड़े हैं। ऐसे में उन्हें अब राजस्थान में हर कोई बाबा कहने लगा है। कभी जयपुर की सड़कों पर तो कभी गांव की चौपालों पर वो आधमकते हैं, और कंबल मिले तो वो सही, ना मिले तो भी कोई बात नहीं, वो किसी आंदोलन में आपको नज़र आ ही जाते हैं। अक्सर मीडिया उनकी सादगी की फ़ोटो निकाल ही लाता है, बाकी वो किसी फोटो के लिए खुद को तैयार नहीं करते। सपोटरा के बूकना का बाबूलाल वैष्णव हत्याकांड, महुआ की टीकरी का शंभू पुजारी हत्याकांड जैसे बड़े आंदोलन डॉक्टर किरोड़ीलाल ने लड़े और न्याय भी हासिल किया। महुआ पुलिस थाने से शंभू पुजारी की तो लाश लेकर वो जयपुर में सरकार की नाक के नीचे सिविल लाइंस फाटक तक पहुंच गए। पुलिस को बिना भनक लगे पुलिस थाने से जयपुर तक लाश पहुंचाने के लिए उन्होंने पुलिस के इनपुट को ठग लिया। यही उनका गुरिल्ला पंच है। राजस्थान के प्रसिद्ध आमागढ़ झंडा प्रकरण में भी किरोड़ी ने यही गुरिल्ला छापामार प्रणाली अपनाई थी। राजस्थान पुलिस की 3-लेयर सिक्योरिटी के बावजूद उन्होंने 3 किलोमीटर पहाड़ी में से गुजरते हुए अपना झंडा फहराया था और साथ में ये संदेश भी दिया था कि वो हिंदुत्व पर गर्व करते हैं। इसके बाद किरोड़ीलाल राजस्थान की सबसे बहुचर्चित राजस्थान एंट्रेंस एग्जाम फॉर टीचर्स में हुई धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में उतरे। ये लड़ाई कांग्रेस बनाम किरोड़ी ही होकर रह गई। किरोड़ीलाल मीणा ने रोज नए खुलासे किए और आखिर में राजस्थान सरकार को रीट लेवल 2 को रद्द करना पड़ा। रीट एग्जाम में उन्होंने राजस्थान के मंत्रियों तक आरोप लगाए और
अभी भी सीबीआई जांच की मांग पर वो अड़े बैठे हैं। इस आंदोलन के बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा युवाओं के बीच छा गए हैं। युवाओं ने उन्हें अपना मसीहा मान लिया है। ये भी किरोड़ी का सियासी गुरिल्ला पंच है, जिसके परिणामों को किरोड़ी के अलावा कोई नहीं जानता। कैसे लगते हैं हमारे किस्से, कहानियाँ और खबरें आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। शुक्रिया।